दोस्तों, एक ये बोर्ड रेडी किया है स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने सोचा कि आप दोस्तों को इसके बारे में शेयर किया जाए। उम्मीद हो कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जो डिवाइस हमने इसमें यूज़ करे हैं बोर्ड में स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में पहले आपको बता दें, ये रिमोट सेंसिंग यूनिट है जो कि रिमोट से सिग्नल रिसीव करेगा। ये टू वे स्विच है इन चार लाइट के लिए। ये फोटो सेल है, ये रिमोट कंट्रोल है। इस बोर्ड के दो मेन फंक्शन हैं। एक तो ये कि ये रिमोट से ऑपरेट करेगा, दूसरा ये फोटो सेल से ऑपरेट करेगा। तो पहले हम आपको फोटो सेल का बता दें सिस्टम, बाद में हम रिमोट को बताएंगे। ये फोटो सेल है, देखिए मैं फोटो सेल से बताता हूं आपको। ये चलेगा, ये देखिए, इसकी मैंने लाइट को कम कर दिया, ये फोटो सेल चलता है। ये देखिए, ये फोटो सेल है, ये फोटो सेल चलता है। ये आप इसकी खास बात यह है कि जैसे ही इसकी जो जिस पे ये फोटो सेल काम करता है, लक्स जिसे कहते हैं ल्यूमिनेशन, जैसे ही कम होगी ये ऑपरेट करेगा। ये देखिए, ये फोटो सेल से काम कर रहा है, ये फोटो सेल पे काम कर रहा है। अब हम इसको रिमोट पे स्विच ऑन करते हैं। देखिए, अब रिमोट से करेंगे। ये रिमोट है जिसमें के इस तरह है, ये इसका नाम है नियोन गेट, जो कि अमेजोन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग में मौजूद है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके बारे में दिखाते हैं, ये नियोन गेट के नाम से इसका सिग्नल रिसीविंग यूनिट है जो कि रिमोट के सिग्नल को रिसीव करता है। ये छोटा सा यूनिट है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आपको इसके बारे में बताएंगे, फिर उम्मीद है कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे। चलिए चलते हैं। इस वक्त ये जो बोर्ड है ये रिमोट पोजीशन पे है। ये रिमोट है, देखिए हम रिमोट लाइट नंबर 1 दबाते हैं, या 1 देखिए स्विच, ये लाइट 1 दबाते हैं, लाइट 1 जल गई, 2 दबाते हैं, 2 जल गई, नंबर 3 दबाएंगे, 3 जल गई, नंबर 4 दबाएंगे, नंबर 4 ये फोर जल गई। इसी तरह हम इसको ऑफ कर देंगे। लाइट देखिए, लाइट 1 को ऑफ किया, लाइट 2 को ऑफ किया, लाइट 3 को ऑफ किया, इसी तरह लाइट 4 को ऑफ किया। ये देखिए, ये लाइट पे है। इसको हम दोबारा आप दिखाएंगे, इसको हम फोटो सेल के मोड पर चेंज करते हैं। ये फोटो सेल पे हो गया, दोबारा फिर करेंगे। ये देखिए, ये फोटो सेल है, ये हम लाइट, ये देखिए लाइट को हमने कम किया, फिर से बन गया। देखिए इसमें कोई हाइडिंग नहीं है, सब ओपन है, आप देख सकते हैं। ये लाइट जा रही है, ये देखिए बोर्ड्स में, ये बोर्ड में लाइट है, इसमें कुछ हाइडिंग नहीं है, सब जेन्युइन काम है। देखिए, ये देखिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, देखिए ये सेल चले गए, ये देखिए, ये है, देखिए सब जेन्युइन काम है, कोई फेक नहीं है। ये देखिए कुछ नहीं है, आप इसको कर से दी, मैंने लाइट को क्यों हो गया। ये देखिए
थोड़ी सी लाइट इसको कम होगी फोटो सेल को, ये ऑपरेट करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है फोटो सेल पे। इसको हम आपको दोबारा फिर रिमोट पे लग करते हैं। ये देखिए, ये रिमोट पे आ गया। अब हम रिमोट से ऑपरेट करेंगे। देखिए नंबर वन, ये आप देख रहे हैं, ये रिमोट है, नियोन गेट के नाम से रिमोट है, जो कि ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील पे मौजूद है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें लाइट है और फैन है। अब हम इसको रिमोट से ऑपरेट करते हैं। ये देखिए लाइट नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये हमने रिमोट से ऑपरेट हो गया। दोस्तों ये यूनिट जो है इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा कर सकता है। अगर आपकी लोड ज़्यादा है, आपका लोड ज़्यादा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका ये L1, L2, L3 लाइन इनपुट आप यहाँ देंगे, और T1, T2 एंड T3, देखिए T1, T2, T3 ये लोड साइड है, ये सप्लाई साइड है। लेकिन जब आपका लोड ज़्यादा बढ़े, तो एक बल्ब की जगह आप निकालेंगे, और जो इसका ये A2 में न्यूट्रल देंगे और A1 में फेज देंगे, A1 में फेज देंगे यहाँ पर, और इसका लोड इसके कॉइल में डालेंगे, बल्ब का लोड इस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में डालेंगे, सिर्फ ओनली कॉइल में। ये ऑन ऑफ जो होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल ऑन ऑफ होगा, जिससे कि आप इसमें 5 किलोवाट का लोड और डाल सकते हैं, लेकिन सप्लाई इसमें अलग से देंगे। ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये देखिए ये बल्ब है जो कि लोड पे लगा हुआ है, ये L1 L2 है, सप्लाई है, ये जो है ये न्यूट्रल है, A2 पे लगा हुआ है, ये सप्लाई A1 पे लगी हुई है। इसको आप बल्ब की जगह लगाएंगे, और इसी सेम यूनिट से आप 5 किलोवाट एक कॉन्ट्रैक्टर में डाल सकते हैं, यानी कि 4 बल्ब निकालेंगे तो 20 किलोवाट का लोड आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये बोर्ड आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो, इस पर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बजाएं, स्विच जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये स्ट्रीट लाइट कंट्रोल पैनल का सर्किट है, जो कि आपको बताना चाहते हैं। ये इस तरह है कि ये फोटो सेल है, इसमें सप्लाई दे दी हमने फेज एंड न्यूट्रल, और ये जो वायर निकला है ये जा रहा है लोड में, लोड में। ये 1, 2, 3, 4 टू वे स्विच है, तो जो फोटो सेल से निकला वो वन साइड में दे दिया टू वे स्विच के, फेज ओनली फेज, ओके। ये फोटो सेल का कह रहे हैं, जो सेंटर से है वो हमने दे दिया लोड में, 1 लैम्प, 2 लैम्प, 3 लैम्प एंड 4 लैम्प, ये है फेज वायर, ओके। अच्छा, जितने भी लैम्प हैं इन सबको दे दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल हेयर, न्यूट्रल
न्यूट्रल एंड न्यूट्रल, यह है फूड सेल का। अच्छा, जब हम इसको रिमोट सेल पे इसको टर्न करेंगे, ऑन करेंगे पैनल को, तो रिमोट सेल का ये है ये पॉइंट, ये जितने भी फोर पॉइंट है ये सेंसिंग यूनिट से निकलते हैं और टर्मिनल टू वे का स्विच के अनदर पॉइंट पे ये रिमोट वाले हैं, रिमोट रिमोट एंड रिमोट। ये तो फर्स्ट टाइम आप फूड सेल पे करिए इसका, देन सब उसको कवर करिए लैम्प को तो वो ऑन करेगा। सेकंड टाइम उसको रिमोट मोड पे कीजिए और 1 2 3 ये रिमोट है, इससे आप 1 2 3 4 5 जितने लैम्प दबाएंगे लैम्प जलेंगे। ये इसका सिस्टम है। सेंसिंग यूनिट को आप 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ये न्यूट्रल एंड फेस 20 वोल्ट की सप्लाई सेंसिंग यूनिट को। यहीं से हमने फूड सेल को फेस एंड न्यूट्रल दे दिया। फूड सेल से जो लोड का एक वायर निकलता है वो हमने टू वे स्विच के वन साइड में दे दिए लोड, और सेंसिंग यूनिट से जो वायर निकले फोर वायर वो हमने 1 2 3 4 टू वे स्विच के दूसरी साइड में दे दिए। जो सेंट्रल से निकला 1 2 3 4 वो हमने लैम्प में दे दिए, लैम्प 1 लैम्प 2 लैम्प। मतलब ये जो सेंटर वाला है ये कॉमन है, ये फोटो सेल में भी आता है और रिमोट में भी आता है। ये जो सेंटर वाला है ये कॉमन लोड का वायर, ये लोड का पॉइंट है। उसके बाद हमने सबको न्यूट्रल दे दिया। इन फ्यूचर अगर आपका लोड बढ़ता है तो आप इसी यूनिट से हैवी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। इफ इन फ्यूचर योर लोड इज इंक्रीजिंग देन आप क्या करेंगे कि एक रिले लगाएंगे। रिले सबका सेम प्रोसेस है, मैंने एक को बताया, एक रिले लगाएंगे छोटी साइज की रिले जिसकी एनओ की जो है कैंटो कॉन्टैक्ट एनओ उसकी कैपेसिटी कम से कम 10 एम्पियर होनी चाहिए कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी, ताकि वो स्पार्क ना हो। तो ये जो लैंप है इसको आप रिमूव करेंगे, इसका फेस रिले के फेस पॉइंट पे लगाएंगे कॉइल में, रिले की कॉइल, और न्यूट्रल रिले की दूसरे पॉइंट में लगाएंगे कॉइल की न्यूट्रल। तो सिर्फ मैं इसके बाद कॉइल की बात कर रहा हूँ, कॉइल में। तो रिले जो होगा जैसे लैम्प ऑन ऑफ रहा था ऐसे रिले ऑन ऑफ होगा, सेम लैम्प का प्रोसेस करेंगे। जो रिले का कॉन्टैक्ट होगा एनओ, वहाँ आप सेपरेटली फेज देंगे उसके एक पॉइंट पर। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा ये एनओ एनसी बन जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी और दूसरे जो कॉन्टैक्टर के A1 में जाएगा, A1 में कॉन्टैक्टर के A1 में, और A2 में आप न्यूट्रल देंगे। तो कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा, जैसे लैम्प ऑपरेट होगा सेम टाइम रिले ऑपरेट होगा, सेम टाइम यहाँ से फेज कॉन्टैक्टर कॉइल में जाएगा, सेम टाइम कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। ये कॉन्टैक्टर के सप्लाई साइड है, ये लोड साइड है। यहाँ RYV3 फेज सप्लाई देंगे आप अलग से, ये लोड है, लोड अप टू 5 किलोवाट। एक कॉन्टैक्टर का कैपेसिटी 5 किलोवाट की ले लीजिए, 5 किलोवाट। तो दूसरा कॉन्टैक्टर, तीसरा एंड चौथा कॉन्टैक्टर, चारों कॉन्टैक्ट का 5 किलोवाट 5 किलोवाट 5 किलोवाट 5 किलोवाट, 20 किलोवाट का लोड आप और ऑपरेट कर सकते हैं सेम यूनिट पे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये रिले सेंसिंग यूनिट, वो रिमोट सेंसिंग यूनिट ये है, ये आपका रिमोट है, ये फोटो सेल है। पहले आप फोटो सेल पे देख लीजिए, फोटो सेल को फेज और न्यूट्रल दे दिया हमने। फोटो सेल से जो लोड का निकला वायर वो हमने टू वे स्विच के एक साइड में दे दिया। सेंसिंग से यूनिट से जो वायर निकला रिमोट सेंसिंग यूनिट से, फोर वायर फोर पॉइंट के लिए 1 2 3 4 वो टू वे स्विच के 1 2 3 4 पॉइंट पर दे दिए। टू वे स्विच के जो सेंटर का पॉइंट है टू वे स्विच का, ये कॉमन होता है लोड के लिए, ये लैम्प नंबर 1 फर्स्ट टू वे स्विच,
लैम वन, लैम टू, लैम थ्री, लैम फोर, ये तो है नॉर्मली ऑपरेट करने का। लेकिन मैंने जो बताया था आपको, इफ इन फ्यूचर योर लोड इज इंक्रीजिंग देन आप क्या करेंगे, तो आप एक लैम को रिमूव करेंगे, उसका न्यूट्रल रिले के न्यूट्रल पे लगाएंगे, कॉइल पर, रिले की कॉइल पर, और फेस रिले के फेस पॉइंट पे लगाएंगे कॉइल पर। तो अब लैम की जगह जो रिले का कॉइल है वो ऑपरेट करेगा, जैसे ही ऑन ऑफ करेगा तो आप सेपरेटली वहां जो एनो होता है रिले का, एनो पॉइंट नॉर्मली ओपन, उस कॉन्टेक्ट पे देंगे फेज वायर। तो जैसे ही रिले ऑपरेट करेगा, फेस यहां से फौरन कॉइल पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे ए वन पे, और कॉन्ट्रैक्टर के ए टू पे आप न्यूट्रल देंगे। तो सेम टाइम लैम्प ऑपरेट होंगे तो रिले एंड कॉन्ट्रैक्टर भी ऑपरेट होंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्टर के सप्लाई साइड में थ्री फेज सप्लाई देंगे और लोड साइड में 5 किलोवाट का लोड और एक्स्ट्रा दे देंगे। तो सेम प्रोसेस यूनिट 2, 3, 4 का है। तो इसी तरह आप 5 किलोवाट 5 किलोवाट 5 किलोवाट 4 यूनिट में आप टोटल मिलाकर 20 किलोवाट के लैंप और लगा सकते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे आपका फैक्ट्री का आउटसाइड एरिया, या किसी प्लेग्राउंड का आउटसाइड एरिया, या रोड के कई रोड आप कवर कर सकते हैं सिर्फ एक सेम स्मॉल रिमोट कंट्रोल से और स्मॉल फोटो सेल से। ये सर्किट आपको, क्योंकि पहले हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था किस तरह हम उसको स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल करेंगे प्रैक्टिकल, अब हम आपको सर्किट बता रहे हैं कि किस तरह आप इसको असेंबल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसके बारे में मालूम होगा, स्ट्रीट कंट्रोल पैनल सर्किट के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन बेल का प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।